आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो वर्कर्स की और हेल्पर्स की यूनियन बनी है इनकी, इनका संबंध केवल हमारे साथ ही नहीं है, इनका संबंध यह भारत सरकार से भी है। और बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार करना आवश्यक है, नो डाउट, कि इनको किस प्रकार से इनके जो प्रभाव पड़ा इन पे, जो खासकर नई शिक्षा नीति का, और उसको हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बातचीत करना चाह रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ भारत सरकार के जो अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ एक चीज़ों में इनके सेवा की जितनी भी कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना होगा। और आंगनवाड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम काम कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चों को एक छोटी एज पे ही तैयार करते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो आगे की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी कोई झिझक को मिटाएं। और सचमुच तो ये है कि भाई जब आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो इसका मतलब यही था कि हम जो गांव के ही लोग हैं, वहीं के जो आसपास के लोग हैं, उनको काम मिले और वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में लाकर प्ले वे मेथड से सिखाएं, चित्रों के माध्यम से सिखाएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से दिखाएं, ताकि बच्चों का जो बौद्धिक विकास हो और उनके अंदर एक प्रकार से उनका मनोबल और आत्मबल बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। मैं पहले भी आंगनवाड़ी से संबंधित रहा हूँ, जब पहले काल में एज ए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, और अभी भी मैं बड़े गंभीरता से इनके पॉइंट देख रहा था, और हम इनके जो पॉइंट हैं काफ़ी लंबी इन्होंने अपने दिए, ऑलमोस्ट 22-23 पॉइंट दिए हैं, हम सब पर बड़ा सहानुभूति विचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले से भी नहीं करते थे, अब ऐसी बात नहीं, आंगनवाड़ी न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि इसके अलावा भी सरकार के बहुत से कामों में अपना योगदान देती रहती है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स बहुत से और दूसरे कामों में भी बहुत मदद करते हैं, इसलिए इनके जितने भी पॉइंट आए हैं, मानदेय को बढ़ाने के बारे हो, चाहे सर्विस कंडीशन में सुधार लाने की बात हो, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। और जो इस प्रकार के कई ऐसे भी पॉइंट हैं जो जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी में बच्चों की तादाद काफ़ी कम हुई है, उस पर भी हम ध्यान देना चाहते हैं, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। अच्छा, राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उस पर भी सरकार विचार करेगी और वो भी बिंदु जो आपने बताया उस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे, फिर विचार किया जाएगा।